हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना, अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी, देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अब लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। वैज्ञानिक और डॉक्टर के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक साबित होगी, जिसके लिए अब लगातार प्रशासन के साथ साथ कई संस्थाएं भी लोगों के बीच जागरूकता फैला रही हैं। वहीं तस्वीरें हम आपको दक्षिण दिल्ली के संगम विहार की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आदर्श बालिका इनोवेटिव एजुकेशनल हैंडकैप्ड एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बच्चों और उनकी माँ को कोरोना की तीसरी लहर के बारे में जागरूक किया और साथ ही साथ उनको मास्क, सैनिटाइजर और पौष्टिक आहार भी वितरण किए। बच्चों की सबसे अच्छी देखभाल उनकी माँ करती है, जिसके लिए बच्चों की माँ को कोरोना की तीसरी लहर के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि उनकी माँ उनका ख्याल रखें और बच्चे को कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आने से बचाया जा सके। यहाँ पर कार्यक्रम के बाद बच्चों को पौष्टिक आहार भी बांटा गया, जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। यहाँ पर आए हुए कई अतिथि ऐसे थे जो कोरोना के समय ड्यूटी पर थे, कई इसमें से शिक्षक थे जिन्होंने यहाँ पर आकर बच्चों और उनकी माँ को कोरोना की तीसरी लहर के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें, यहाँ पर आए हुए अतिथियों ने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से हर उम्र के बच्चों की देखरेख कोरोना के समय किस तरीके से करनी चाहिए, 2 साल 5 साल 18 साल तक की उम्र के बच्चों को किस तरीके से पौष्टिक आहार देना है और उनको हर उम्र के पड़ाव पर उनका ख्याल रखना है, जिसके लिए जागरूकता अभियान कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए चलाया गया, जिसमें बच्चे और उनकी माँ यहाँ पर शामिल हुई और उसके बाद उनको मास्क, सैनिटाइजर और पौष्टिक आहार वितरण किया गया। आपको बता दें, जो ये कपड़ों के बने मास्क यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, ये मास्क ग्रेटर कैलाश विधानसभा के विधायक सौरभ भारद्वाज द्वारा एनजीओ को पहुंचाए गए और एनजीओ ने इसके बाद इन सबको, इन बच्चों और उनकी माँ में वितरण किया। आपका नाम? मेरा नाम लाल मोहन झा। आज क्या प्रोग्राम था, किस संस्था के द्वारा किया गया? आज का जो मेन प्रोग्राम था सर, ये कोविड थर्ड के ऊपर हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो अभी तक हम लोग कम्युनिटी लेवल पर जाते हैं तो जो कोविड 19 है, वैक्सीनेशंस का, अवेयरनेस का, अनाउंसमेंट का, मास्क का, सैनिटाइजर्स का, इस सब तरीकों की लोगों के बीच में कुछ कमियां देखा, तो हम लोगों ने ये सोचा जो किस तरीके से अधिक हम लाभान्वित करके और जो कोविड थर्ड की लहर है उस चीज़ों को बचा सके, इस मुहिम को लेकर आज आदर्श बालिका इनोवेटिव एजुकेशन हैंडीकैप्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिनका मैं अध्यक्ष हूँ, तो एकदम बिल्कुल निम्न स्तर पर लोगों के बीच में पहुँच के जितना हो सकता है वो किसी भी दूसरे एसोसिएशंस के माध्यम से हम इस काम को करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो और हमारे देश की जो ये पैंडेमिक बड़े ही दयनीय संकट की स्थिति है, इस विभिन्न घड़ी में रोगों से बच सके और आगे हम लोग बड़े ही सुरक्षित जीवन जी सके, सरकार की सारी नियम को समझ सके, देश में इतने दिनों से जितनी तरह की हर व्यवस्थाओं के ऊपर खर्च की जा रही है, बताई जा रही है और उसके ऊपर नियंत्रित करने की में हम लोग सहयोग करने की मदद कर रहे हैं। और किसे करना है, और किन्हीं का करना है इंटरव्यू? ठीक है, थोड़ा सा विद्यार्थी सुजीत। मेरा नाम सर भोला झा। आज क्या कार्यक्रम था, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई गई, क्या देखा आपने? सर, ये जो बैनर देख रहे हैं आदर्श बालिका इनोवेटिव एजुकेशन सोसाइटी, इनके बैनर तले और भी संस्थाओं को, इनके जो कर्ता धर्ता श्री मोहरपाल झा जी हैं, वो और भी संस्थाओं को अपने साथ संलग्न कर जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है संगम विहार, उनमें सामाजिक जागरूकता अभियान को छेड़ा है। यह बिगुल है सर, ये केवल सरकार का काम नहीं होता है, सरकार के पास लिमिट संसाधन होते हैं, हम सामाजिक लोग जो सामाजिक दायित्व को निर्वहन करने वाले लोग हैं, उन्हें भी समाज में जागरूकता लाना है और
जो वैश्विक स्तर पर कोरोना की स्थिति रही है वह बहुत भयानक है। हम सभी जानते हैं कि हमारी एक गलती बहुत बड़े आघात को निमंत्रण करती है, तो इसी के ऊपर में अवेयरनेस प्रोग्राम इन्होंने रखा, जिसमें हम दिल्ली के काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग यहाँ आकर शिरकत की है और अपने अनुभवों को संगम बिहार के लोगों से रूबरू किया है, उन्हें भी अवगत कराने का प्रयास किया है। जैसे कि अभी जो तीसरी लहर की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों को अपने आगोश में लेने वाला है यह कोरोना, तो छोटे बच्चों के संदर्भ में हमने अपनी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा दिल्ली के नागरिकों को या भारत के नागरिकों को कि जो 2 साल के बच्चे हैं उन्हें मास्क तो वो नहीं लगा सकते, लेकिन उनकी मम्मी मास्क लगाए तो क्या होगा कि वो बच्चे भी बचेंगे, उनका परिवार भी बचेगा। जनरली हमारे घर में जो आगंतुक आते हैं वो बच्चे को किस करते हैं, तो किस नहीं करना है, किस होता है प्यार दुलार से, और वह किस हमें कोरोना के प्रभाव में ला सकता है। तो हमें इस तरह से छोटी छोटी जो हमारा स्टेप्स है, कदम है, उससे हम कोरोना को बचा सकते हैं। 5 साल के बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उन्हें भी मास्क लगाना है और इम्यूनिटी के ऊपर भी ध्यान देना है, उन्हें संतुलित आहार जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, फल, दाल वगैरह देना है और रेगुलर एक्सरसाइज करवाना है, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बच्चा मजबूत बना रहेगा और कोरोना से लड़ सकेगा। 18 साल तक के बच्चों को भी ध्यान देना है, संतुलित आहार के साथ साथ लगातार नियमित रूप से व्यायाम करना है। मैंने अपने स्पीच के माध्यम से माताओं और बहनों से यह विनम्र प्रार्थना की है कि महिलाएं ही वह मानवीय संसाधन है जो परिवार को किसी भी मुसीबत से बाहर ला सकता है। तो यहाँ पर महिलाएं काफ़ी संख्या में उपस्थित थी, तो उन्हें हम लोगों ने उन्हें यह बताने का प्रयास किया कि उन परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, किस तरह से हम कोरोना से बचें, और जिस तरह से हमने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को बचाया था, आज वही विदेशी आक्रमण के रूप में कोरोना आया है, तो हम सभी उससे लड़कर अपने परिवार, अपने समाज, अपने आप को बचाना। आपका नाम बता दीजिए। मोनिका विज। आज किस तरीके से क्या पूरा प्रोग्राम था, आपका क्या सहयोग रहा? ये जो प्रोग्राम है आदर्श बालिका एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से किया गया था, जिसमें कोरोना को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम था, और हमारे जीके विधानसभा के जो MLA हैं मिस्टर सौरभ भारद्वाज, उनके थ्रू ये मुझे मास्क दिए गए थे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि हमने कोरोना को लेकर यहाँ पर मास्क बांटा। क्या यहाँ पर कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन को भी लेकर अवेयरनेस फैलाई गई? हाँ जी, हमने आग्रह किया गया कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी है वो हमसे संपर्क करें, और हमारे जो MLA सर हैं वो इस चीज़ को लेकर ज़रूर इनकी सहायता करें। आपका नाम? मेरा नाम विद्या सागर है, मैं PGT इंग्लिश में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगम बिहार में। तो इन्होंने बुलाया था यहाँ पर कि जो जागरूक कर रहे थे, मीटिंग थी, तो उसमें मैं आया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि यहाँ पर बच्चे और लेडीज आई थी जो कि थर्ड वेव आने वाली है, तो उन्हें बच्चों से ही बचाना है, तो उन्हीं को जागरूक किया गया। तो मैंने इस चीज़ को कुछ लाइनों में लिखा था, कविता में यहाँ समझाया था, लोग बहुत अच्छी समझ में आया, वो मैं बता देता हूँ। कहाँ से तू आया ये कोरोना रे विदेशिया, कहाँ से तू आया ये कोरोना रे विदेशिया, दुनिया में कहर बारे पाया रे विदेशिया, वुहान से तू आया तू दुनिया में पग फैलाया तू, मेरे देश में खतरा बढ़ाया रे विदेशिया, मेरे देश में खतरा बढ़ाया रे विदेशिया, बच्चों का बचपना छीना, मजदूरों का काम धाम छीना, बच्चों का बचपना छीना, मजदूरों का काम धाम छीना, सबको ही कंगाल बनाया रे विदेशिया, मुंबई का बुरा हाल किया, दिल्ली का बुरा हाल किया, गाँव को मर घर बनाया रे विदेशिया, बंद स्कूल किया, बंद स्विमिंग पूल किया, ऑनलाइन से पढ़ाई तू कर आया रे विदेशिया, सरकार ने अच्छा काम किया, टीके का फरमान दिया, सब जन टीका अब लगवाओ रे विदेशिया, अभी भी डरो लापरवाही ना करो, तीसरी लहर ना आ जाए रे विदेशिया, कहाँ से तू आया ये कोरोना रे विदेशिया, इसके माध्यम से मैंने समझाया। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम देशराज सिंह,
सर क्या पूरा प्रोग्राम था आज, किस तरीके से बच्चों को हेल्प कर रही है एनजीओ, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये प्रोग्राम एक एनजीओ के माध्यम से किया गया है जिसके सचिव श्री लाल मोहन झा साहब रहे हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पहली बार अरेंज किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे जितने भी यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए आए थे उनको सबको मास्क, सैनिटाइजर, पौष्टिक आहार ये सब वितरित किया है और उनको जो यहाँ कुछ विद्वान लोग बुलाए थे भिन्न भिन्न संस्थाओं से उन्होंने भी सबको जागरूक किया और प्रोग्राम वास्तव में बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा ये अपनी संस्था के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बच्चे हैं उनकी हेल्प करते हैं, सिलाई कढ़ाई आदि का काम भी जो सिखाते हैं। आज आपने जैसे गरीब परिवार हैं उनके लिए भी यथासंभव जो एनजीओ के माध्यम से सहायता दी जा सकती है वो तो दिलवा।